हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे क्रिकेट्स में आपका। फ्रेंड्स, 15 अप्रैल यूपी बीएड का एग्ज़ाम हुआ था फ्रेंड्स, जिसमें कला वर्ग के क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पूरा का पूरा ज़रूर देख लीजिएगा फ्रेंड्स, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपको पूरा का पूरा पीडीएफ के फाइल के रूप में ये मिल जाएगा, तो वीडियो को पूरा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स, तभी आपको ये वीडियो मिल पाएगा। फटाफट देखते हैं फ्रेंड्स किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देर ना करते हुए क्वेश्चन का लेवल देखेंगे और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और वीडियो के अंत में फ्रेंड्स मैं बताऊंगा कि आपके कट ऑफ जो है ना किस प्रकार से जा सकते हैं, और उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आपको सरकारी मतलब एडमिशन चाहिए स्कूलों में तो आपको ध्यान देना होगा, ठीक है ना, किस प्रकार से एग्ज़ाम आ रहे हैं। फटाफट देखते हैं फ्रेंड्स आर्ट ग्रुप के क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कला वर्ग के आर्ट ग्रुप के, देखिए 15 अप्रैल को क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फटाफट देखते हैं फ्रेंड्स, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। देखिए फ्रेंड्स कौन सी नदी पूछा गया है फ्रेंड्स की भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। बहुत बार मैंने क्वेश्चन ये कराया है, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इसके ऊपर कराए हैं रेखाओं के ऊपर, ठीक है ना। तो ये कांगो नदी हो जाएगी जो भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। डाक विभाग की स्थापना फ्रेंड्स कब हुई थी, तो 1 अक्टूबर 1854 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि कोलकाता में हुई थी डाक विभाग की स्थापना। कौन सा छंद 6 चरण का होता है फ्रेंड्स, तो देखिए आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स छप्पे। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, छप्पे आपका जो है ना 6 चरणों का छंद होता है, ठीक है, छप्पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रेगुर मिट्टी को क्या बोला जाता है फ्रेंड्स। अगर रेगुर मिट्टी की हम बात करें फ्रेंड्स की, रेगुर मिट्टी होती है, तो रेंगुर मिट्टी आपका उसका काली मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है किसे दिया जाता है। क्षेत्रीय पार्टी का जो दर्जा दिया जाता है किसे दिया जाता है, निर्वाचन आयोग द्वारा यह दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है फ्रेंड्स। ऐसे सेम क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो टमाटर का लाल रंग आपका लाइकोपीन के कारण होता है। और अगर मिट्टी की लाल रंग के बारे में पूछें तो आपका फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका लाल रंग होना तय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय, देखिए फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय नहीं होगा, यहाँ पर उच्च न्यायालय होगा, मैंने सर्वोच्च को काट दिया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है, तो अधिकतम 62 वर्ष, और ये जब अपने पद पर रहते हैं तो 6 वर्षों तक अपने कार्यभार को संभालते हैं, ठीक है। ये देखिए अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात करें फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय जो होता है उसका 65 वर्ष होता है, और वो भी अपने कार्य में 6 वर्ष के लिए ही निहित रहते हैं। सत्यमेव जयते, ये फ्रेंड्स बार बार क्वेश्चन आपको रेलवे ग्रुप डी में, एसएससी, सीजीएल, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम ये सब पूछा जा चुका है। तो सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया है, मुंडक उपनिषद ग्रंथ से लिया गया है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कल ही मैंने बताया था इसका आंसर कि मुंशी प्रेमचंद का जो है ना उपनाम क्या है या उनका दूसरा नाम क्या है। तो फ्रेंड्स मुंशी प्रेमचंद का उनका देखिए आंसर बच्चे बता रहे थे कि फ्रेंड्स सर कि इसमें धनपत दास था और एक नवाब राय था। तो मैं बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स कि इनका नाम धनपत राय से भी जाना जाता है, और इनका जो एक्चुअल में आंसर होगा फ्रेंड्स इसका आंसर ये नवाब राय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वायु की आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है। तो वायु की जो आर्द्रता है, देखिए फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें वायु की आर्द्रता और समुद्र की गहराई मापने वाली गहराई किससे मापी जाती है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर, ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर इससे द्वारा हम समुद्र की गहराई माप सकते हैं। ये वायु की आर्द्रता अगर पूछे कि किसके द्वारा मापी जाती है, तो ये हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बेतवा किसकी सहायक नदी है। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपके उत्तर प्रदेश में बहने वाली एक सहायक नदी है, और जो यमुना इसकी सहायक नदी मानी जाती है। देखिए फ्रेंड्स ये जब बेतवा जब निकलती है अपने धारा से, तो ये एक बहुत बड़ी नदी यमुना से जाकर मिलती है। किससे जाकर मिलती है, इसकी सहायक नदी क्या बन जाती है, यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक विज्ञान का आधुनिक जनक कौन माना जाते हैं फ्रेंड्स। तो एरिस्टोटल बोलते हो या अरस्तु बोल सकते हो, ठीक है, ये इनके जनक माने जाएंगे। और बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि आधुनिक सर ये आधुनिक विज्ञान का जनक पूछा गया था ना कि राजनीतिक विज्ञान का। मुझे ईमेल के द्वारा जो क्वेश्चन मिलते हैं वही आपको मैं पब्लिश करता हूं फ्रेंड्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिएगा क्वेश्चन को और शेयर करिएगा, ठीक है ना। राजनीतिक विज्ञान का आधुनिक जनक कौन थे फ्रेंड्स, तो अरस्तु थे, एरिस्टोटल माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था। तो याद रहे फ्रेंड्स, सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा किया गया था। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। हिमालय की पहाड़ी किस देश को स्पर्श नहीं करती। याद रहे फ्रेंड्स, क्वेश्चन को पढ़िएगा समझिएगा,
ये समझिएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा है। हिमालय की पहाड़ी किस देश को स्पर्श नहीं करती है? तो हिमालय की पहाड़ी जो आपको बांग्लादेश जो है ना पहाड़ इस देश को स्पर्श नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सर्व शिक्षा अभियान के तहत कितने वर्ष तक बच्चे के शिक्षा मुफ्त दी जाती है, मुफ्त कराई जाती है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा मुफ्त कराई जाती है। फ्रेंड्स अगर आपको क्वेश्चन में अगर कोई भी गलती या खामी मिलती है तो उसका मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि आपको खुद भी एनालाइज होगा, जो फ्रेंड्स आप लिखते हो वो आपको लाइफ टाइम तक याद रह जाती है, तो इसके लिए आपको याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, अतीत के चलचित्र किस प्रकार की कृति है? अतीत के चलचित्र ये आपका रेखा चित्र नाम की प्रकार की इसी चलचित्र प्रकार की कृति है। भारत के राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर भारत का राष्ट्रपति अगर मैं बात करूँ रामनाथ कोविंद द्वारा, अगर वो चाहें तो लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? तो लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, डाक विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, डाक विभाग की स्थापना तो मैंने बताया था कि 1854 में हुई थी, लेकिन अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स कि किसके शासनकाल में हुई थी, यहाँ पर देखिए ये 1766 में किस शासक ने इसको मतलब किसके शासनकाल में हुई थी, तो लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में ये कोलकाता में हुई थी। रॉबर्ट ब्राउनिंग कौन है? तो फ्रेंड्स इनका जन्म 7 मई 1812 से लेकर 12 दिसंबर 1889 ईस्वी तक हुआ, मतलब इनकी डेथ हुई थी, और ये कौन है? एक लेखक हैं। कौन है फ्रेंड्स? ये एक लेखक माना जाता है, रॉबर्ट ब्राउनिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी संघ शासित जो है ना, केंद्र संघ शासित बोलो या केंद्र शासित बोलो, बात एक है, सबसे छोटी संघ शासित प्रदेश कौन सा है फ्रेंड्स? तो ये लक्षद्वीप हो जो दादर और नगर हवेली के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे मिले हैं आपके आर्ट ग्रुप के, तो इसको आप ले लीजिएगा फ्रेंड्स, आपके कमेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इसका PDF फाइल मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और वीडियो को एक बार अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही नोटिस और ऐसे ही नोटिफिकेशन और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सबसे पहले आपको वीडियो को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि जैसे नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मैं रीजनिंग के क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा, रीजनिंग के क्वेश्चंस भी करा दूँगा, तो देखेंगे क्वेश्चंस किस प्रकार से रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।